हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो चलिए जो इसमें डिस्कशन कर रहे थे वहीं स्टार्ट है। ड्यूरिंग हैवी रेन, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही होती है, इन माइट इवन क्रिएट अ फ्लोड लाइक सिचुएशन, और यहाँ तक कि इतना बारिश हो रहा हो कि फ्लोड लाइक सिचुएशन आ जाए। देर इज़ अ लॉट ऑफ हार्म दैट टू मच यूज ऑफ प्लास्टिक कैन डू, और इसका सबसे ज़्यादा हमें हार्म देखने को मिलता है जो हमने सबसे ज़्यादा यूज़ किया है प्लास्टिक का। वॉट कैन वी डू द मिनिमाइज ओवर यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड डील विद गार्बेज, हमें क्या करनी चाहिए ताकि हम जो प्लास्टिक का यूज़ है उसको मिनिमाइज़ कर सके, कम कर सके और इन गार्बेज को डील कर सके। तो उसके लिए कुछ सजेशन है, आप पढ़िए। वी मेक अ मिनिमम यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग, हमें क्या करनी चाहिए, जितना हो सके बहुत कम यूज़ करना है प्लास्टिक का। वी री यूज़ द बैग वेन एवर इट इट्स पॉसिबल टू डू विदाउट एनी एडवर्स इफेक्ट, हमको ज़्यादातर टाइम यदि यूज़ कर भी लिए रेयर कंडीशन में प्लास्टिक का, तो उसको रीयूजबल किया जा सके, रिसाइकिल किया जा सके और बहुत कम इफेक्ट करे, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। वी इंस्टेड शॉपकीपर यूज़ पेपर बैग, और यहाँ तक कि जो हमारे शॉपकीपर होते हैं उनको पेपर बैग यूज़ करनी चाहिए। वी कैरी अ क्लॉथ और अ जूट बैग When we got out for a shopping, और जब कभी भी हम शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें अपने साथ ले जाना चाहिए कपड़े वाले बैग या जूट का बैग ले जाना चाहिए ताकि हम वहाँ से सामान को ला सकें। We do not use plastic bag to store edible thing, हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है प्लास्टिक बैग का चीज़ों, खाने वाली चीज़ों को स्टोर करने के लिए। We do not throw plastic bag there and there after use, क्या बोला गया है हमें कहीं भी इन प्लास्टिक पेपर्स को कहीं भी नहीं फेंकना है बेटा यहाँ वहाँ। वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग एंड अदर प्लास्टिक आइटम, कभी भी हमें प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक आइटम को बर्न नहीं करनी है। वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग एंड थ्रो इट अवे, हमें क्या करना है गार्बेज में प्लास्टिक बैग नहीं फेंकनी है, इसको हमें बहुत दूर फेंकना है यदि यूज़ करते हैं तो। वी यूज़ वर्मी कम्पोस्ट एट होम एंड डील विद द किचन वेस्ट यूजफुल, हमें क्या करनी है वर्मी कम्पोस्ट घर में बनानी है और इस तरीके से डील करनी है किचन वेस्ट से। वी रिसाइकिल पेपर, हमें जो है यूज़ करनी है रिसाइकिल पेपर। वी यूज़ बोथ साइड ऑफ पेपर टू राइट, हमें जो ऐसे पेपर यूज़ करनी जिसके दोनों साइड लिखी जा सके। वी यूज़ अ स्लेट फॉर रफ वर्क, और काम करने के लिए रफ काम करने के लिए हमें स्लेट यूज़ करनी है। वी यूज़ ब्लैंक सीट ऑफ पेपर लेफ्ट इन आवर नोटबुक फॉर अ रफ वर्क, क्या बोला गया हमें ब्लैंक सीट ऑफ पेपर लेफ्ट करनी है इन आवर नोटबुक से फॉर रफ वर्क के लिए। वी मेक अवर फैमिली फ्रेंड एंड अदर टू फॉलो प्रॉपर प्रैक्टिस फॉर डिस्पोजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ द वेस्ट, क्या करना है हमें जो है अपने दोस्तों को, अपने परिवारों को, अपने कज़न को, अपने नेबर को, इनके प्रति जागरूक बनाना है। थिंक अबाउट सम मोर वे टू मिनिमाइज ओवर प्लास्टिक बैग और डिस्कस, तो किस तरीके से हम और अच्छे से इन प्लास्टिक बैग का यूज़ कम कर सकते हैं, तो इसके बारे में जो है आप डिस्कस करिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नो एंड थिंक अबाउट दैट मोर गार्बेज बी जनरेटेड मोर डिफिकल्ट इट विल बी टू बी गेट रिड ऑफ इट, हम बहुत सारे गार्बेज जो इकट्ठा करते हैं और इसको पूरी तरीके से सड़ाना ये बहुत ही ज़्यादा रिक्सी है, तो प्लीज़ डिफ़िकल्ट मोर डिफ़िकल्ट है तो इसका यूज़ कम करिए। कीवर्ड में आप लोग लिखेंगे वेस्ट का क्या मतलब है, गार्बेज क्या है, लैंडफिल क्या होते हैं बेटा, कंपोस्ट क्या है, बर्मी कंपोस्टिंग क्या है, रिसाइकिल क्या है, साथ में आप लोग जो समरी दिया हुआ है इनसाइड ऑफ द ब्रैकेट ब्लू ब्रैकेट, सो यू कैन रीड केयरफुली दिस ऑफ द थिंग, यहाँ तक आपको करनी है। और जो इसका क्वेश्चन आंसर है वह मैं सेपरेट वीडियो उसका मैं बना दूंगा। आई थिंक आई होप आपको ये लास्ट चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद क्वेश्चन आंसर। थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।